देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने महेंद्रगढ़ के गांव भवानिया में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। अशोक तंवर हिसार से लोकसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 5 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे आप में शामिल हो गए थे। वे आपके हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, फिर उन्होंने आप भी छोड़ दी थी। आपसे इस्तीफा देने के पीछे का कारण कांग्रेस आपके गठबंधन को बताया गया था। इसके बाद जनवरी 2024 में अशोक तंवर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें सिरसा से टिकट दिया था, जिसमें वे हार गए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा के दिग्गज नेता, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा की कांग्रेस में अनदेखी की अटकलें लगाकर उन्हें भाजपा में शामिल होने का न्योता दे रहे थे, लेकिन राजनीतिक पंडितों के बीच अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि कुमारी सैलजा को भाजपा में आने का निमंत्रण देने वाले भाजपा के दिग्गज नेता अशोक तंवर को ही नहीं संभाल पाए। लोग अब यह चुटकी लेना शुरू कर चुके हैं कि सैलजा आई नहीं, तंवर चले गए। महेंद्रगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।